आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, झारखंड के नंबर वन यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही के खास शो आजाद बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ चौधरी। जब पूरा देश कोरोना वायरस से उपजी आपदा से दो दो हाथ करने को तैयार है, तब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है वह अत्यंत अशोभनीय है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो विधायक ऐसे हैं, दो जीव ऐसे हैं जिनकी वजह से विधानसभा की पूरी कार्यवाही आज बुरी तरह बाधित हुई। आखिर ये सदस्य कौन सी परंपरा स्थापित करना चाहते हैं? आज की बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द। हमारे साथ हैं आजाद सिपाही के प्रधान संपादक श्री हरि नारायण सिंह जी। सर, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और ऐसे समय में चल रही है जब देश एक संगीन संकट से गुजर रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व एक संगीन संकट झेल रहा है, उस बीच जिस तरीके का नज़ारा दिखा आज दो सदस्यों की वजह से, उसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए? समूह जी, ये सचमुच में झारखंड के लिए चिंता की बात है। आज विधानसभा से दो सदस्यों के बारे में जो खबरें आई, उसमें एक सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के, जो रांची का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी और बुजुर्ग माने जाते हैं उनके बारे में, और एक कांग्रेस के जो इरफान अंसारी, जो जिनकी पहचान ही हर समय उटपटांग शब्द बोलना, उटपटांग चलना, उटपटांग कहना, जिसके कारण वो स्थापित हुए हैं। दोनों के बीच जो आज वार्तालाप हुआ है विधानसभा, वो सचमुच में हमें ये सोचने पे बाध्य करता है कि आखिर ये झारखंड में किस तरह की पौध तैयार करना चाहते हैं। देश 21वीं सदी में जा रहा है, देश ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्ञान नॉलेज, हाँ, ज्ञान प्रतिभा सम्मान अर्जित करना चाहता है। हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश है कि वो एक उच्च मानक तैयार करे, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में सब चीजें देखने को मिल भी रही हैं। काफी खुशी हुई थी हम लोगों को जब इस बार जब विधानसभा में लोग चुन करके आए थे तो हम लोगों को भी लगा कि नए और पुराने का जो तालमेल और ऐसे तमाम लोग जीत करके आए हैं जो विधानसभा की शान हुआ करते। एक अवसर ऐसा था कि जब हर दल के करीब जो मुखिया थे उनको जनता ने खारिज कर दिया था इसके पहले, 14 के चुनाव में आपने देखा होगा, लेकिन 19 के चुनाव जनता ने प्रतिनिधित्व के रूप में उन सारे लोगों को विधानसभा में भेजा है जो जनता से जुड़े सवाल उठाते रहे हैं, जिनसे जनता को अपेक्षाएं हैं। ये दोनों भी, सीपी सिंह और इरफान अंसारी को भी चुन के भेजने का जनता का मकसद ये नहीं था कि वहाँ हर समय ये तंज कसेंगे, हर समय किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे। देखिए, होता क्या है कि बात कहाँ से उपजी है, आप सुन लीजिए। सीपी सिंह जैसा आदमी राहुल गांधी के बारे में कहता है वो पप्पू है ये अधिकार सीपी सिंह को किसने दिया किसी के बारे में उसका चरित्र के बारे में इस तरह की भाषा बोलने का ये विशेषण लगाने का? पप्पू कोई नाम नहीं है। पप्पू का अर्थ जब राजीव गांधी के सेंस में ये इस्तेमाल कर राहुल गांधी के सेंस में कर रहे हैं तो दुनिया को ये पता है, लोगों को ये पता है कि ये कह कह रहे हैं। तो दरअसल ये राहुल गांधी का अपमान नहीं हो रहा है, पप्पू कह के ये राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे ये खुद अपना अपमान कर रहे हैं, खुद अपनी उस तस्वीर को जनता के सामने रखना चाह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कितने संकीर्ण मानसिकता की ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं, कितना सतही ज्ञान है इनका, इनकी भाषा कैसी है, इनकी संस्कृति कहती है, बात करने का लहजा कैसा, ये कह सक मान लीजिए कुछ कहना ही तो
राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है या राहुल गांधी ने जो कुछ किया है जी, तो कर्म के आधार पर उसकी व्याख्या कर सकते थे जी। विशेषण देने का अधिकार किसी को नहीं। तो अगर मान लीजिए आप किसी को दे रहे हैं जी, तो आपको भी कोई कुछ कह सकता है। बिल्कुल। और दूसरा जब कहता है तो ये भिदक जाते हैं जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी पत्रकारों के खिलाफ कुछ बोल देंगे जी, कभी किसी को झोलटंगवा बोल देंगे, कभी कभी हाँ माने पत्रकारों को झोलटंगवा बोलते हैं। हाँ, इनका हम यहाँ बैठ करके वो चरित्र चित्रण नहीं करना चाहते हैं जी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने के पहले जी आप अपने आईने में तो झांक के देखिए आप हैं क्या। बिल्कुल। क्या थे क्या हुआ छिपा तो नहीं है। बिल्कुल। कि आज से पहले जी जब पहली बार जी सीपी सिंह को रांची विधानसभा से जब टिकट मिला था जी, तो एक अदना सा मकान हुआ करता था जी, एक मोटरसाइकिल इनके पास जी, ये गौरव की बात है जी, कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात। बिल्कुल। लेकिन वो जो जनता ने जब इनको जनप्रतिनिधि बना दिया जी, उसके बाद से क्या इनकी यही हैसियत है, ये छिपी है किसी से? जब किसी को झोलटंगवा बोलते हैं जी, तो इनको सोचना चाहिए कि इनके बारे में भी तो लोग जानते हैं जी, नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जिसके घर जो है खुद शीशे के बने होना जी, वो किसी दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं फेंकता है। बिल्कुल। बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर दूर जाएगी। तो अगर आप किसी को कहते हैं, अगर आप राहुल गांधी के बारे में उठपटांग चीज बोल रहे हैं जी, तंज कस रहे हैं जी, तो तैयार हो जाइए कि आपको भी लोग उसी भाषा से स्वागत करें जी। आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं दे सकते जी। तो आज जो इन्होंने बात कहा जी, मतलब बहुत सतही भाषा का इस्तेमाल किया। और ये सुन के नहीं लगता है कि इतना, जिस आदमी को जनता जो है सोचिए कि जो 5-5 टर्न से 6-6 टर्न से जो विधायक बना है, बिल्कुल वैसा व्यक्ति अगर सदन में ऐसी बात, विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका है, अध्यक्ष रह चुका है, जो सिखाता है विधायकों को कि आपको बोलना कैसे है, चलना कैसे है। जाते हैं सीपी सिंह व्याख्यान देने जाते हैं, पता नहीं किस तरीके का व्याख्यान देते हैं, क्या वहाँ क्या बताते होंगे, सोचिए। यहाँ जो बोल रहे हैं रोज, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हर दिन की जो बात सुन रहे हैं, और इरफान अंसारी के बारे में तो माशाल्लाह, उनके बारे में क्या कहा जाए, उनका जन्म ही शायद इन सब शब्दों को बोलने के लिए, और किसी के बारे में कुछ भी बोलने के, वो जब अपने नेतृत्व को नहीं मानते, वो सोनिया गांधी को नहीं मानते हैं, राहुल गांधी को नहीं मानते हैं, स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको नहीं मानते हैं, और जो मैंने जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, जो प्रभारी हैं उतने सीनियर नेता है, आरपीएन सिंह लीडर हैं, उनके बारे में पटांग चीज़ बोलते हैं। तो मैं तो ये ही कि वो यही सब, वो व्यक्ति इस तरह की बातों का उच्चारण कर सकता है, भाषा बोल सकता है, जो खुद ही उस दौर से गुजरा। अगर मान लीजिए किसी को आप कहते हैं कि वो टिकट बेच रहा है जी, वो करोड़ों घोटाला कर, तो जब तक आपको स्वाद नहीं मिला तब तक आपको कैसे पता चला? बिल्कुल। या तो आपने पैसे देके टिकट खरीदे हैं, बिल्कुल, या पैसे लेके किसी की आपने सिफारिश की होगी, तभी ना आपको पता चलता होगा कि पैसे देके टिकट मिलते हैं। अगर नहीं है तो आरपीएन सिंह पर इतना बड़ा आरोप लगाने का आपको आधार क्या बनता है? बिल्कुल। कभी प्रदीप यादव के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, कभी रामेश्वर उरांव के खिलाफ कभी कुछ बोल देते हैं, कभी सीपी सिंह के खिलाफ कभी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं जी। तो ये तो मतलब हमें तो लगता है कि ऐसे इन लोगों को कम से कम जी, मतलब नई पीढ़ी के लिए जी, नई पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए, और इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर यही सब करना है तो हम लोग तो करबद्ध प्रार्थना हो कि वो अपने घर में ही बैठे रहें, कम से कम अपनी भाषा संस्कृति ऐसा उच्चारण करके लोगों के मन ये को नाशे नहीं, उसको मतलब गलत राह नहीं दिखाएं जी। सर, सदन के बाहर कोई बात कहना अलग बात है, सदन के बाहर जब आप कहते हैं कोई उठपटांग बात कहते हैं तब ये मान लिया जाता है कि चलिए ये नेताओं के चरित्र में समाहित हो गया है, लेकिन विधानसभा, ये जनता के पैसे से चल रही है, बजट सत्र, इसमें जनता के सवालों पर चर्चा हो रहा है, और वैसी फिजूल चीज़ों पर, फिजूल बयानबाजी पर विधानसभा को स्थगित करना और ऐसी मतलब हंगामा खड़ा करना, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, हम तो दो बात आपको कहेंगे कि दरअसल होता क्या है ना कि व्यक्ति जैसा होता है जी, जुबान जी उसकी पहचान होती है, अंदर में जो वो सोचता है जी वही बाहर आता है। बिल्कुल। तो हमको तो लगता है कि जो भाषा वो चाहे विधानसभा के बाहर हो जी, परिसर जी और विधानसभा, बहुत अंतर नहीं है जी। जैसे ही आप वहाँ प्रवेश करते हैं तो पता हो जाता है कि यही वो लोग, ऐसे विधायक हैं कुछ लोग हैं कि जो जाते हैं देहरी पर मत्था टेकते हैं जी, नामांकन करने के पहले मंदिरों में जाते हैं जी, पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, हम वहाँ चले जाएं जी, जब मौका मिल जाता है जी,
ऐसी हरकत करते हैं जिसमें किसी को भी शर्माने लगती है। सर औसत खर्च निकाला जाए तो विधानसभा की एक मिनट की कार्यवाही में सर 2 लाख से ज्यादा खर्च होते हैं। ये तो वहां पे देखिए, यही तो बात हम कर रहे हैं कि इनको ये पता नहीं है कि इनको किस लिए चुना गया है, इनको करना क्या है। बिल्कुल, जाति के नाम पर जी, पार्टी के नाम पर जी, मोदी के नाम पर जी, दल के नाम पे सीपी सिंह जीत रहे हैं जी। भ्रम शायद इनको यह है कि अगर ये नहीं रहेंगे जी तो शायद यहाँ से कोई जीत ही नहीं सकता है भाजपा का जी। गलत बेजा फायदा उठा रहे हैं जी। इस बार हारते हारते बचे, इन्हीं जीवान के कारण हारते हारते बचे जी। इरफान अंसारी कांग्रेस के कारण जी, सोनिया के कारण जी, राहुल के कारण जी, पार्टी नेतृत्व के कारण जी जीत रहे हैं जी। धरोहर नहीं है उनकी, कुछ कोई चीज़ नहीं है, राजनीतिक ऐसी नहीं है कि कोई जित वहाँ कसम खा के बैठा है कि इन्हीं को देगा। लेकिन वही जब जा रहे हैं तो उन्हीं लोगों को आईना दिखा रहे हैं जी। हम तो ये कहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष को जी आखिर क्या बेबसी है, क्या लाचारी है जी, ऐसी सड़ी हुई मछली को विधानसभा में क्यों ढो रहे हैं जी, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है जी, क्यों नहीं उनको बाहर निकाला जा रहा है जी। सदन के लिए उनको बाहर भी तो निकाला जा सकता है, आखिर क्या मजबूरी है उनके सामने, क्या ये पूरा देश देख रहा है। जब इस समय ये लोग बहस कर रहे होते हैं विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, तो सिर्फ झारखंड की बात नहीं है जी, दूसरे राज्यों में भी जी, राजधानी में भी जी, दिल्ली में भी लोग सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, आखिर क्या मतलब झारखंड का क्या चरित्र बनेगा जी, यही। और दूसरी तरफ पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बेबस है जी, आखिर क्यों ऐसे लोगों जी इस भाषा में बोलने का। ठीक है, राजनीतिक मतभेद आपका कांग्रेस से हो सकता है जी, राहुल का कोई स्टेटमेंट आपको गलत लग सकता है, खराब लग सकता है जी, लेकिन उनका चरित्र हनन करना जी, वो भी विधानसभा के अंदर उनके बारे में उठपटांग शब्दों का इस्तेमाल करना जी, ये अधिकार आपको कहाँ से मिला जी। ये तो भाजपा को भी सुन, अगर भाजपा ऐसा ही करना चाहती है तो फिर ये कह नहीं सकती कि नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर रही जी। बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी है, उनको उस कम से कम उस बात को रोकना चाहिए। और जब एक दिन वो ऐसा कहते हैं, जब खबरों में बने रहने के लिए भाजपा ये कहती है जी कि अब हम विधानसभा को चलने देंगे जी, हम वेल में नहीं आएंगे जी, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लोगों ने तारीफ की जी। दूसरी तरफ आपका एक विधायक जो है जी, वहाँ राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा है जी, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप उसको, क्यों नहीं टोक रहे हैं उसको, कुछ भी बोल देगा। बिल्कुल, एक बार अगर इस पर कम से कम रोकते कि नहीं सीपी सिंह जी आप ऐसा नहीं बोल सकते, तब हम समझते कि नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई आदर्श वहाँ पर स्थापित करना चाहती, नहीं तो फिर तो वही है कि सत्ता में है तो हाथ जोड़ करके हम कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी चले, जैसे ही हम विपक्ष में जाते हैं तो सारी मर्यादाओं को तोड़ करके हम उसी वही सब करने लगते हैं जो पाठ पढ़ाया जाता है। पिछली बार तो जब भाजपा की सरकार थी तो कहती थी कि सदन के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, वार कर रहा है जी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, लेकिन जब इनको मिला है जी तो सवाल जवाब के समय नोक झोंक बहस सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, और इस तरह से गलत चीज बोलना, अगर मान लीजिए यही बात अगर आप राहुल गांधी पे बोल सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी पे कोई नहीं बोल सकता है क्या? बिल्कुल, आप सुनिएगा। बिल्कुल, अमित शाह पे नहीं बोल सकता है, आप सुनिएगा उसको। तो दरअसल ये सीपी सिंह के अंदर कोई कुंठा है जी, मेरा तो साफ मानना है कि चूंकि वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में जी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे जी, ये उनकी इच्छा थी जी, नहीं हुआ जी, तो ऐसी परिस्थिति वो पैदा करना चाह रहे हैं जी, अपने कह नहीं सकते जी, तो उकसा रहे, प्रवोक कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को जी, कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, आलाकमान पर हमला बोले जी, तभी ये राहुल गांधी को बोल रहे हैं। इनके बोलने का साफ मतलब है कि हम अगर राहुल गांधी को पटांग बोलेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जी, तो दूसरा विपक्ष जो है कहीं सत्ता पक्ष के लोग जो हैं जी, कांग्रेस के लोग हैं, जेएमएम के लोग हैं जी, राजद के लोग, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को जी, अमित शाह को जी, जेपी नड्डा को, ये तमाम लोगों को जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी का चरित्र हनन करेंगे, तो ये खुद जो नहीं कर सकते वो दूसरे से प्रवोक करके कहवाना चाहते हैं। हमको तो लगता है कि शायद यही उनकी मंशा है, नहीं तो अगर नेक मंशा होती तो सीपी सिंह जैसे व्यक्ति से जी, मतलब एक कुछ भी है, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं जी, आज भी कांग्रेस के लोग उनको सर्वमान्य नेता अपना मान रहे हैं। बिल्कुल,
मतलब वो उनका विरोध कोई नहीं करता, तो अपने पार्टी का सर्वमान्य नेता, उसके बारे में आप क्यों बोलिए, आपसे क्या मतलब उनको है? बोलना है तो आप अपने नेता के बारे में बोलिए, दूसरे के नेता को आईना कैसे आप दिखाइएगा? बिल्कुल। तो हमें लगता है कि ये प्रवोक कर रहा है कि विपक्ष जो हमला मोदी और अमित शाह पे बोले, जो ये नहीं कर सकते। सर बात यहीं तक नहीं रुकी, बात ये है कि कहा जाता है कि इरफान अंसारी ने सदन में अपनी सीट पर लौटते हुए एक विधायक को गाली तक दी, और दूसरा विधायक भानु प्रताप शाही के बारे में कहा जाता है कि उनको गाली तक दी, और भानु प्रताप आग बबूला हुए, दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी, आस्तीनें भी चढ़ी, इस तरीके का नजारा सुनते हैं कि आज पैदा। इरफान अंसारी कुछ भी कर सकते हैं जी, जो आदमी आरपीएन सिंह को चोर कह सकता है, बेईमान कह सकता है जी, राहुल गांधी को चैलेंज कर सकता है, सोनिया गांधी को चैलेंज कर सकता है जी, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बारे में उठपटान शब्द बोल सकता है, प्रदीप यादव को कुछ भी कह सकता है, सरकार गिराने की बात कर सकता है, कांग्रेस तोड़ने की बात कर सकता है जी। तो वो अगर भानु प्रताप शाही को अगर कुछ गाली दे देता है, उठपटांग कर सकता है, तो आप क्या करते? ये तो विधानसभा अध्यक्ष को मैंने कहा कि आखिर उनकी क्या बेबसी है, क्या लाचारी है, क्या कमजोरी है कि ऐसे मतलब मर्यादाहीन सदस्यों को ढो रहे हैं, काहे नहीं एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं जी, उनको करना चाहिए, और नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को प्रश्रय दे रहे हैं जी, उनको रोकना चाहिए इन सारी चीज़ों को, ऐसे लोगों के लिए अरबों अरबों रुपया खर्च करके ऐसे लोगों के लिए वो विधानसभा नहीं बनी है जी, वो माने जनता माने मंदिर है जनप्रतिनिधियों के लिए, मंदिर लोकतंत्र का उसको मंदिर कहा जाता है, ऐसे लोगों को कलंकित करने का अधिकार नहीं देना चाहिए जी। अब रंजन गोगोई का मामला, झारखंड की विधानसभा है और यहाँ झारखंड के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, कोई रंजन गोगोई के मनोनयन का मुद्दा उठा देता है, कोई राहुल गांधी की बात करता है, क्या झारखंड की विधानसभा इसी के लिए है? आज हम लोगों ने देखा कि सरयू राय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का उन्होंने नोटिस दिया था, कई और विधायकों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की नोटिस दी थी, तो ये ऐसे जो झारखंड से जुड़े हुए सवाल हैं वो इस शोर शराबे में दब गए, तो अल्टीमेटली नुकसान तो झारखंड की जनता का है और जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो झारखंड की जनता का। देखिए इसमें दो चीज़ें थी, जो सरयू राय जी का जो सवाल था बहुत गंभीर मुद्दों पे था जी, उसका जवाब वो सरकार से चाह रहे थे, मोमेंटम झलका पे जांच की बात, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई और जांच की बात वो कर रहे थे, एक और मामले की बात महाधिवक्ता वाला अजीत कुमार वाला मामला वो उठाना चाह रहे थे, उसमें सरकार का जवाब चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कि सरकार जब सवाल सटीक है तो सरकार के किसी मुद्दे पर आना, और एक जानबूझ करके भाजपा के लोगों ने उस पर हंगामा इसलिए किया क्योंकि ये भाजपा के सरकार के कार्यकाल के दोनों मुद्दे हैं जी, रघुवर सरकार के कार्यकाल के दोनों मुद्दे हैं जी, अगर मोमेंटम झारखंड पे अगर जांच का आदेश हो जाता है या अजीत कुमार की कार्यशैली पे अगर कोई आदेश हो जाता है जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती है उसमें। तो ये एक टैक्टिक्स के तहत, एक रणनीति के तहत, कुशल रणनीति के तहत इन्होंने इधर से ये भी भाजपा के लोगों ने और उसमें सीपी सिंह भी जैसे लोगों ने उसको बाधित करने की कोशिश की जी। दो था, मैंने इसके पहले कहा था कि सीपी सिंह ने एक रणनीति के तहत वो खुद चाहते हैं कि भाजपा आलाकमान पे लोग हमला बोले, तभी ये दूसरे के आलाकमान को ये पूछ कर रहे हैं जो इस सदन का मेंबर भी नहीं है उसकी बात उठा रहे हैं। दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी भी अवसर, मैंने इरफान जैसे लोग जो ये अवसर दे रहे हैं कि मतलब वो जो उनके कार्यकाल में जो गड़बड़ी हुई है उससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आता है और जांच के कहीं आदेश नहीं हो जाए, उनको मौका मिलता है, वो शोर मचाते हैं जी। तो ये चीज़ इसलिए की जाती है, इसलिए हमें लगता है कि भाजपा भी चुप रहती है और कांग्रेस शायद नहीं बोल पाती, तो इसमें इतने डरे हुए लोग बैठे हुए हैं जी। वही होता है कि मतलब जो नंगा होता है उससे भगवान भी डरता है, कहावत होती है बिल्कुल। तो शायद इरफान अंसारी ने अपने चेहरे को ऐसा बना लिया है, शायद कांग्रेस भी सोचती है कि अगर इनको बोलेंगे तो खुद अपने ऊपर कहीं ना कहीं यह आएगा, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सदन के नेता जी हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के अध्यक्ष जी रविंद्र महतो जी, तो एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए और ऐसे बेजुबान माने बदजुबान जी, बेलगाम जी, अनुशासनहीन जी जनप्रतिनिधियों के ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी लगानी चाहिए। अगर एक मानक स्थापित करना चाहते हैं, झारखंड की तस्वीर एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं दूसरे जगहों पे, दूसरे लोगों के में, तो जरूर ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इन सब चीज़ों को प्रेशर दे रहे होते हैं। सर क्या वो वक्त नहीं आ गया है जब विधानमंडलों को या संसद में इस तरीके का कानून पारित होना चाहिए? इसकी मांग उठती रही है कि जो सदस्य बेवजह हंगामे का दोषी माना जाए, जो असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करे, उसकी उस दिन की तनख्वाह, उस दिन का मानदेय जो है उसकी कटौती होनी चाहिए, इस तरीके का बिल
लायक वही नहीं, वो उस लायक नहीं है जनप्रति, हमको राइट टू रिकॉल वाला होना चाहिए जी। अगर आप सदन में बैठने के लायक नहीं है, बिल्कुल सदन के अनुसार आप एक्ट नहीं कर सकते जी, जिसलिए जनता ने आपको अगर वहाँ चुना वो काम नहीं कर सकते हैं, तो ये अधिकार होना चाहिए कि जनता जी उनको वापस बुला ले जी, किसी दूसरे को ये अधिकार दे जी। ऐसे सड़े हुए तत्वों को, हाँ ऐसे सड़े हुए तत्वों को धोने की कोई जरूरत, मतलब मजबूरी नहीं होनी चाहिए किसी के सामने जी। या तो ये लोग अपना आचरण सुधारें जी, या फिर जी हम लोगों के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई अधिकार बने जी। ये मतलब सिर्फ झारखंड की नहीं, हर जगह देखिए किस तरह के नमूने हर जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी थे जी, तो ये बार बार लोग आए जी, तो सबक देने के लिए जरूरी, जब इस तरह का अंकुश अगर आ जाएगा जी, खाली एक दिन की हाजिरी काटने से कुछ नहीं होता, एक दिन का पैसा काट लीजिएगा तो विधायकों के लिए वो पैसा बहुत मायने समझ नहीं रखता जी। यहाँ पर पैर बिक जाता है जी, योजनाओं के लिए अनुशंसा के लिए जी, पैरवी के लिए पैर लोग बेच देते हैं जी, ठेकेदारों के हाथों में, अधिकारियों के हाथ में जी। उनकी अगर एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर विधायक ही चली जाएगी जी, सदन में बैठने के लायक नहीं रह जाएंगे, तब शायद वो सोचे कि हमको करना क्या है नहीं करना है जी। लेकिन अगर उनको यही सब करना है तो कम से कम अपने लिए नहीं, जैसे कि पीढ़ी जो आशा भरी निगाहों से देख रही है जी, उसके भले के लिए जी, तो इन लोगों को शांत हो जाना चाहिए जी, आचरण को सुधारना चाहिए जी। कुल मिलाकर संसद और विधानमंडल जो लोकतंत्र के मंदिर माने जाते हैं, उनकी गरिमा गिराने की इजाज़त किसी सदस्य को नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए एक सख्त कानून बने, जनता यही चाहती है। देखना ये होगा कि भविष्य में क्या इस तरीके का कोई कदम उठ पाता है और सदस्य इस मुद्दे पर सहमत हो पाते हैं या नहीं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।